हे गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ममता दीदी में का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फिर से लेके आई हूँ न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि बताओ फ्रेंड्स कि मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर और मेरे भैया तीनों बिहार चले गए हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, वो लोग कल ही गए, आज पहुँच गए हैं। तो वो लोग कल तीनों बिहार चले गए। अब यहाँ पर हम बच गए हैं, हम और मेरे पापा, तो हम दोनों ही हैं। तो बस मुझे ज़्यादा खाना वाना नहीं बनाना है, बहुत कम बनाना है। और एक और बात, कम से कम मैं अपनी मम्मी के शांति से तो बच गई। मम्मी बहुत ज़्यादा चिल्लाती रहती है मेरे ऊपर। तो बस वो सब तीनों चले गए हैं बिहार, और अब पता नहीं कब आएंगे। बस एक काम था तो बस चले गए हैं। तो अभी मैं यहाँ पर चाय बन गया है मेरा, सुबह का 7:30 बज रहा है। नहीं, 7:30 नहीं, वो 7 बज रहा है। अभी यहाँ पर मैंने अपना चाय बना के ले ली हूँ, और अभी मैं बना रही हूँ दाल चावल सब्जी, पटर आलू के अच्छे से मसाले वाला सब्जी बना रही हूँ, और दाल और चटनी वगैरह बना रही हूँ। इतना सुबह सुबह बना रही हूँ क्योंकि अब दो जने ना, हमारे पापा हैं, तो ज़्यादा खाना नहीं बनाना है, तो बस दाल चावल और सब्जी बना रही। एक और सब्जी बनाएंगे कोई चीज़ का, सब्जी तो मुझे ही दो चाहिए, तो बस एक और सब्जी वो भी बना लेती हूँ। तो फटाफट यहाँ पर देखिए चावल बैठा दिए हैं, चाय बन गया है, और पापा उधर ब्रश कर रहे हैं और उधर कोई बंगाली से बात कर रहे हैं। तो लेडीज आई है तो उनसे ही बात करें। तो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। चाय पी के और चावल बैठा दिए हैं, दाल बन गया है, मटर आलू की सब्जी बनेगा उसके बाद। तब तक हम यहाँ पर चाय पी लेते हैं, और मम्मी लोग पता नहीं कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी। मेरे हिसाब से मम्मी अभी 1 सप्ताह जितना लग जाएगा। मैंने कल संडे था तो कल गई थी ना, तो अगले संडे तक आ जाएगी। तो देखिए मम्मी कब तक आती है। सब भी तीनों के तीनों चल गए, घर पूरा खाली खाली हो गया है एकदम से। मैं पूरा फ्री हो गई तो पूरा घर खाली वाली हो गया है। और अब मुझे यहाँ से काम वाम करके जल्दी से वहाँ जाएंगे। यहाँ पर गेट वेट सब अच्छे से बंद करना पड़ेगा, फिर वहाँ पर जाकर मुझे अपना दुकान खोलना पड़ेगा। उसके बाद फिर शाम को आऊँगी जब 7-8 बजे, फिर खाना बनाऊँगी। तो यहाँ से खाना वगैरह पैक करके लेके चली जाऊँगी। तब तक मम्मी, मेरी भाई और मेरी मम्मी का तो मुझे इतना याद नहीं आता है, क्योंकि मम्मी मेरे साथ जैसे व्यवहार करते हैं मुझे मम्मी का बिल्कुल याद नहीं आता। और मेरे भाई का, मेरी बहन चले गए, मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा।